गाइस अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर में, पागल बाबा मंदिर में, और वो है नौसरबंदिया में, तो वहाँ चलते हैं। और वहाँ आ रहे हैं सांसद हमारे अजय भट्ट जी, तो उनसे मिलने के लिए। और मेरे को काफ़ी तबीयत ख़राब हुई है, आजकल ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग देख ही रहोगे। और ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बुखार आ रखा है और जुकाम बहुत लगा हुआ है, चक्कर से आ रहे हैं, वीकनेस बहुत हो गई है। तो आज मजबूरी है थोड़ा वहाँ जाना क्योंकि बुला रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहे हमारे ब्लॉग में। और ये डाल दूंगा वो शॉर्ट वीडियो में। गाइज मैं पहुँच गया मंदिर प्रांगण में, और मंदिर प्रांगण का दृश्य कुछ ऐसा है। तो इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, यहाँ दिखाते हैं नेताजी का भाषण। 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने देश हित में, जनहित में क्या कार्य किए और देश के मान सम्मान को इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा दिया, ये आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक टीवी वगैरह के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दी। क्योंकि इस खटीमा मंडी समिति के अंदर पूरा खटीमा विधानसभा, आधा नानक भट्टा विधानसभा जो बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, और मंडी का बजट बहुत सीमित होता है, वो भी भाई मोहन प्रभा जी, सुदामा पंडित जी कई लोग मेरे पास मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि 300 मीटर, 350 मीटर जो भी आपका बजट हो, उस बजट में आप जो है खर्चा में भी कुछ दें। तो मैंने प्रयास किया इस बदला के ऊपर एक 350 मीटर खरंजे का निर्माण मैंने मंडी की ओर से कराया। गाँव की जो मूलभूत समस्या है, राज्य से संबंधित समस्या है, की समस्या को उठाने वाले, और मुझे ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान कोई अगर कर सकता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय मंत्री। आप देखें कि लोकसभा के अंदर आजादी को तो हिंदुस्तान के आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ की समस्याओं का कैसे समाधान हो, सरकार के अधिकारियों को लेके, चाहे भारत सरकार की हो या उत्तराखंड सरकार की हो, लगातार मुख्यमंत्री धामी जी प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय भट्ट जी प्रयास कर रहे हैं। और ये गांव हमारे पूर्व राज्यपाल है, हम सबसे प्रेरणा स्रोत आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। आदरणीय भट्ट जी जैसा शासक सर्वसुलभ है, उसी को उठाते हैं और जनता की समस्याओं के समाधान आपके द्वारा हिंदुस्तान के बड़े बड़े अस्पतालों में लोगों का इलाज करवाया गया, जनता की समस्याओं का समाधान कराया गया। और आज मंत्री खुद इसका भी पूरे मैं इस बदला चमुल गाँव में जाऊंगा, वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। और मित्रों एक बार पूरा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी और पहले का हाथ लगा के देखो, मोदी तो बता तो कोई दुख नहीं है, यह हाथ से बचा है क्या? 100 साल से ऊपर, 200 साल से ऊपर हो गया, लोग वैसे आ रहे हैं क्या? आप लोग आग नहीं देख सकते थे उस समय जिस समय बसाए जा रहे थे, क्या नियमावली थी उस समय? अब जो लोगों ने खेत बना दिए, घर बना, हाथ मत लगाना एक तो खत्ता पर, हाथ मत लगाना चम्मा ढोना पर, बैरन होके लौटे, इसलिए मैं आश्वासन देता हूँ उस और तो छोड़ ही दो, आएंगे नोटिस आते रह के देख लेंगे, मैं होना जब तक तुम्हें कोई डर नहीं करनी, सारे मतदा चौहान का कह देना। मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आचार संहिता लगी है, ये सब मेरी रिकॉर्डिंग भी ले जाते हैं
और सीआईडी भी लगा रहे थे मेरे पीछे, मैं भी नहीं डरता हूँ किसी से। अरे अपनी जनता की बातें बोल रहे हैं उसके लिए, इसीलिए तो चुनाव होता है, और क्या होता है। तब मैं यहाँ आया, दूसरा यहाँ सुना कि कोई एक मधुशाला खुल रही है, मुझे आज बताया कई लोगों ने